अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम नाइन्थ क्लास के फिज़िक्स के पहले चैप्टर के दूसरे लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। आज के इस दूसरे लेक्चर में हम जो क्या स्टडी करेंगे वो प्रीफिक्सेस होगा, वो साइंटिफिक नोटेशन होगा और वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होगा। हमारे इस चैनल पे जो स्टूडेंट्स न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको हासिल हों और आप वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए जी, वीडियो की तरफ मूव करते हैं, आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है प्रीफिक्सेस। व्हाट आर प्रीफिक्सेस? प्रीफिक्सेस क्या हैं? प्रीफिक्सेस आर द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स व्हिच आर एडेड बिफोर द एसआई यूनिट्स। प्रीफिक्सेस जो क्या हैं वो मल्टीपल्स हैं, सब मल्टीपल्स हैं। प्रीफिक्सेस किसी वैल्यू को बड़ा कर देंगे, किसी वैल्यू को छोटा कर देंगे और वो वैल्यू क्या है, वो एसआई यूनिट है। प्रीफिक्सेस जो हैं एसआई यूनिट से पहले लगाए जाते हैं एसआई यूनिट को बड़ा करने के लिए, एसआई यूनिट को छोटा करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्रीफिक्स यूज़ कर देते हैं मीटर के साथ किलो, तो जो किलो है वो 10³ के इक्वल होती है और वो उसका जो सिंबल है वो है के, किलो। अब जो मेगा है वो 10⁶ है, जो इसका सिंबल है वो एम है। गीगा है वो 10⁹ है, इसका जो सिंबल है वो है एम है और जी है सॉरी। और जो मिली है वो 10⁻³, इसका जो है सिंबल है वो स्मॉल एम है, जैसे मीटर ही है। तो ये हैं प्रीफिक्सेस हैं। इनका इस्तेमाल क्यों होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है? मिसाल लेते हैं, मेरे पास एक रोड है और रोड की मैंने लेंथ बतानी है। तो रोड अगर मैं लाहौर से इस्लामाबाद या मुल्तान या पेशावर या कराची तक जो सफ़र है, फासला है, उसको मैं एसआई यूनिट में बताना शुरू कर दूंगा, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का यूनिट तो मीटर होता है। अगर ये मैं मीटर में बताऊंगा तो थाउजेंड्स ऑफ मीटर जो है वो हमें बताने पड़ेंगे, लिखने में भी जो है ज़्यादा स्पेस क्रिएट करेगा और जो शायद सुनने वाला है वो घबरा जाए, परेशान हो जाए, पता नहीं कितने हज़ार मीटर, कितने सौ मीटर दूर है ये जगह, बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसलिए हम उससे पहले किलो की प्रीफिक्स यूज़ करते हैं कि जो यहाँ से जो शाहदरा है वो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर का मतलब 10,000 मीटर। तो ये 10,000 मीटर को आपने सिर्फ 10 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, कैसे? पीछे सिर्फ एक प्रीफिक्स यूज़ करके, के की। तो ये जो के की प्रीफिक्स यूज़ की, इसने उस वैल्यू को क्या कर दिया, बोलने में और समझने में और राइट करने में, लिखने में रिड्यूस डाउन कर दिया, जिससे एक गुड इम्प्रेशन पड़ा और जो है सुनने वाले को वो वैल्यू अच्छी भी लगी। और जो है वो उसने एक ऐसा माहौल भी क्रिएट नहीं किया कि शायद ये जो फासला है, ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। तो ये प्रीफिक्सेस को जो यूज़ करने के तरीके होते हैं, आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने पर्पस के लिए किसी भी जगह पे प्रीफिक्स को यूज़ करते हैं जहाँ पे आपने अपनी वैल्यू को बड़ा या छोटा करके रिप्रेजेंट करना हो। ये थी प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के बाद आ जाती हैं साइंटिफिक नोटेशन। हमारे आज के आर्टिकल क्लास का जो है, हमारे आज के लेक्चर का जो दूसरा आर्टिकल है वह है साइंटिफिक नोटेशन। व्हाट इज़ अ साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन क्या है? इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड बाय सम पावर ऑफ 10। जो नंबर्स हैं वो 10 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करके लिखे गए होते हैं। और वो नंबर क्या होते हैं? और वो जो नंबर होते हैं बिटवीन 1 और 10, ठीक है, वो जो नंबर हैं वो 1 से बड़े होते हैं और 10 से छोटे होते हैं। इसकी मिसाल लेते हैं, मेरे पास एक वैल्यू है 7650। अब जो 7650 है ये जो है मतलब एक वैल्यू है नॉर्मल। अगर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद पॉइंट लगा देंगे और फिर क्या होगा, हम उसको 10 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब ये कैसे होगा? अब देखें, आपको पता है कि अगर किसी वैल्यू में पॉइंट ना लगा हो तो वो पॉइंट होता है कहाँ पर, बिल्कुल लास्ट पे। तो हमारे पास वैल्यू की थी 7650, सबसे लास्ट पे पॉइंट है। पॉइंट एक शिफ्ट अगर पीछे मूव करे, एक
एक आप उसको जंप करवा के पीछे मूव करवाएं, फिर एक और जंप लगा के पीछे मूव करवाएं, फिर एक और जंप और एक और जंप। एक जंप से इधर आया, दूसरी जंप, फिर एक और जंप और फिर एक और जंप। ये टोटल इसने कितने जंप्स लगाए? इसने 4 जंप्स लगाए। 7 6 5 00 7 6 5 00 एक जंप, दूसरी जंप, ठीक है, तीसरी जंप और चौथी जंप। तो 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 आ जाएगी पॉइंट जितनी जंप्स लगा के मूव करेगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक आते हुए, 10 की उतनी पावर्स आ जाएंगी। अगर वो राइट से लेफ़्ट मूव कर रहा है तो 10 की पावर पॉजिटिव, और अगर वो लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है तो 10 की पावर क्या होगी? नेगेटिव। दोबारा बात गौर से सुने, पॉइंट जो है जितनी जंप्स लगा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक आएगा उतनी 10 की पावर होगी। पॉइंट अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है तो 10 की पावर पॉजिटिव, पॉइंट अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है तो 10 की पावर क्या होगी? नेगेटिव। ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन वाला आर्टिकल। आप मैथ में चैप्टर नंबर 3 में, 9th क्लास की मैथ की बुक में चैप्टर नंबर 3 में इस आर्टिकल को डिटेल में स्टडी भी करेंगे। इस चैप्टर में वो क्वेश्चंस हैं 3.1 जो है उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए जी, आज है हम अपने इस लेक्चर के तीसरे आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और इनके होने का क्या फ़ायदा है, चलिए देखते हैं। लाहौर से इस्लामाबाद तक कितना फासला है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, कितने 100 किलोमीटर? लाहौर से इस्लामाबाद तक का जो फासला है वो 400 किलोमीटर से लेके 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक हो सकता है। तो ये कैसे पता चला? आपने एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्केलिंग कर ली कि यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्टेंस है वो इतने मीटर होगा या इतने सेंटीमीटर होगा या इतने जो मिलीमीटर होगा, इतने इंचेस होगा। तो फिर वो आप लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक उनको कनेक्ट करते गए, वो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो आपने मार्किंग की थी, स्केलिंग की हुई थी, तो उनको जोड़ जोड़ के आपको वहाँ तक डिस्टेंस पता चल गया। इसका मतलब है दो पॉइंट्स के दरमियान में आपने अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप जो है डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत से किस्म के हो सकते हैं। देखें, मेजर आप बहुत सी चीज़ों को मेजर करते हैं, आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं, आप टाइम को मेजर करते हैं, आप वेट को मेजर करते हैं, बहुत सारी क्वान्टिटीज़ हैं जिनको आप मेजर करते हैं। तो आज के जो हम इस आर्टिकल में जो सबसे पहले आर्टिकल देखेंगे, आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम सबसे पहले आर्टिकल देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से, वो होगा मीटर रूल। एक मीटर रूल या एक मीटर रॉड क्या होता है? एक मीटर रूल या एक मीटर रॉड एक मीटर लंबा फुट्टा होता है, जिसको आप उर्दू में फुट्टा कहते हैं। फुट्टा होता है, स्केल होता है। एक्चुअली स्केल जो है हमारे जहन, हमारे जो जहनों में गलत परसेप्शन बैठा हुआ है। फुट्टा या स्केल क्या चीज़ होती है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। फुट्टा या स्केल जो है वो लकड़ी का वो पीस को नहीं कहते। फुट्टा या स्केल कहीं पे भी मार्क या कहीं पे बनाया जा सकता है। देखें, दीवार पे भी आप देखें, अगर कहीं पे आप किसी अपना फिज़िकल टेस्ट देने जाएं, मेडिकल सेंटर में जाएं, वहाँ पे दीवार के साथ भी उन्होंने मार्किंग लगाई होती है, तो वो भी एक स्केल है। स्केल क्या है? जो किसी शख्स की लेंथ या जो दो पॉइंट्स के दरमियान में जो लेंथ को मेजर कर ले, मेरे हेड से लेके मेरे फुट के ये दो पॉइंट हैं, इनके दरमियान में जितना डिस्टेंस है, जितना फासला है, इसको मेजर कर लेगा। वो कौन मेजर करेगा? वो स्केल मेजर करेगा। स्केल एक्चुअली स्केलिंग की होती है। स्केलिंग किसी भी चीज़ पे हो सकती है, आइदर वो दीवार पे हो सकती है, वो प्लास्टिक शीट पे हो सकती है, वो वुड के पीस पे हो सकती है, वो लकड़ी के पीस पे हो सकती है, वो प्लास्टिक के पीस पे हो सकती है। हम जो बाज़ार से ख़रीदते हैं वो स्केलिंग हुई होती है, प्लास्टिक के, मेटल के या लकड़ी के पीस के ऊपर, उसको स्केल बोलते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक मीटर रॉड, एक मीटर रॉड क्या है? एक मीटर रॉड एक मीटर लंबा या एक मीटर रूल एक मीटर लंबा स्केलिंग
किया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को मेजर करेगा। ये डिस्टेंस ज़्यादा जो है वो कम से कम जो एक मीटर रॉड या एक मीटर रूल, कम से कम जो डिस्टेंस है वो कितना मेजर कर सकता है, वो होता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से कम जो है एक मीटर रॉड किसी भी डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता। ये इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। लीस्ट काउंट क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो रीडिंग, वो वैल्यू होती है जो वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर ले ठीक से। उससे कम रीडिंग को अगर वो मेजर ना कर सके तो इसका मतलब है वो जो आखिरी हद थी जहाँ तक उसने ठीक से दो वैल्यूज़ के दरमियान में डिस्टेंस को मेजर कर लिया, तो वो जो आखिरी हद थी वो उसका लीस्ट काउंट था। तो 1 मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 मिलीमीटर। इससे जो कम है वो वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं कि ये कितनी लेंथ में होते हैं। 1 मीटर के होते हैं, 100 सेंटीमीटर के होते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 स्मॉल डिवीजन्स होती हैं कॉल्ड मिलीमीटर। सो 1 जो मिलीमीटर है वो क्या कहते हैं, वो इसका लीस्ट काउंट कहलाता है मीटर रूल का, मीटर रॉड का। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है लेंथ को मेजर करने वाले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से, वो मेजरिंग टेप आ जाती है। मेजरिंग टेप जो है वो क्या है? मेजरिंग टेप भी इसी तरह से है। मेजरिंग टेप यूजुअली कौन लोग यूज़ करते हैं? मेजरिंग टेप आप कह लें ब्लैक स्मिथ यूज़ करते हैं। ब्लैक स्मिथ कौन है? लोहार, जो मतलब है कि घरों में आते हैं कोई लोहे का दरवाज़ा उसको ठीक करना हो तो वो क्या करते हैं, पैमाइश लेते हैं। बिल्डिंग्स बन रही हो, दीवार बन रही हो, छत बन रही हो, तो वो जो मज़दूर हैं वो जो आके पैमाइश लेते हैं कि इस दीवार की कितनी लेंथ हो, तो वो एक फीते का इस्तेमाल करते हैं, एक प्लास्टिक के ऊपर स्केलिंग हुई टेप का इस्तेमाल करते हैं, एक जो लकड़ी की ऊपर स्केलिंग हुई एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं, एक डोरी के ऊपर मेजर की हुई स्केलिंग की हुई वो डोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मेजरिंग टेप यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक की केसिंग में होती है, रोल हुई होती है। इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर, 100 मीटर तक होती है। ये मेजरिंग टेप की जो है वो डिफरेंट उसकी लेंथ में अवेलेबिलिटी होती है। ये 10, 20, 40, 50, 100 मीटर की जो है रेंजेस में आती है मेजरिंग टेप अवेलेबल होती है। इस मेजरिंग टेप का भी काम यही होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को मेजर करना। तो ये जो था ये हमारा आज का आर्टिकल था। आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। पेपर के लिहाज से बहुत ज़रूरी आर्टिकल है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।